तो गाइस आज की स्टूडियो में हम बनाने वाले हैं वाटर लेवल इंडिकेटर। चलिए मैं जो है आपको थोड़ी सी इसकी क्लिप दिखाना चाहता हूँ शुरू की, ठीक है, कि किस तरह से आप जो है इसमें वाटर लेवल इंडिकेटर को इजीली बना सकते हैं और वो भी कुछ कंपोनेंट्स की मदद से। तो गाइज अगर आपको भी बनाना है तो ओनली वीडियो आपको लास्ट तक देखनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो है मेरे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स की कुछ डिटेल दी गई हैं। काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट नहीं है इसमें, कुछ ही कंपोनेंट्स मैंने जो है इसमें यूज़ किए हैं और यहाँ पे जो है आपका पूरी तरह से वाटर लेवल इंडिकेटर जो है वो सिंपल बन जाएगा। अगर आप स्कूल के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फिर आप अपने घर के लिए बना रहे हैं तो आप जो है इस वीडियो को ओनली लास्ट तक देखिएगा, आपको जो है पूरा यहाँ पे बना के भेजूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइज चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो गाइज यहाँ पे मैंने आपको जो है कुछ कंपोनेंट्स दिखा दिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं इसमें जो मेन मेन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे जो BC547 है वो आपको ट्रांजिस्टर इसमें ले लेना है, ठीक है। तो लेने के बाद अब आपको जो है सिंपल इसकी जो जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसी तरह से आपको, आप अगर करते हैं तो आपका भी जिस तरह से मेरा यहाँ पे वाटर लेवल इंडिकेटर बना था जैसे आपने अभी क्लिप देखी है छोटी सी, वैसा ही आपका भी यहाँ पे बन जाएगा। कोई फेक वीडियो नहीं गाइज, मेरे चैनल पर कभी भी आपको फेक वीडियो नहीं मिलेगी, ओनली रियल कंटेंट मिलेगा। तो गाइज यहाँ से जो है इस तरह से आपको ये जो ट्रांजिस्टर है वो सिंपल अपना यहाँ से कर लेना है। करने के बाद अब आपको जो है सिंपल इसकी जो लीड है जो कलेक्टर है इसका सिंपल यहाँ से इस तरह से आपको मोड़ लेना है, क्योंकि आगे जो है हमें जाके प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से मैंने जो है इसमें सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं। इसके जो कलेक्टर बेस अमीटर है वो मैंने आपको यहाँ पे शो करा दिए हैं, ठीक है। वैसे मैंने जो है आपको सारी की सारी डिटेल इसमें बता के भी दी गई है और मैंने जो है इसमें आप बोल भी रहा हूँ मैं इसमें, तो दोनों ही चीज़ आप जो है समझ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई समझ में नहीं आता है तो एक बार नीचे ज़रूर कमेंट कर देना, मैं जो है उसका रिप्लाई 100% दूंगा। तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने इस तरह से कर लिया और आपको जो है यहाँ पे आपको चार जो ट्रांजिस्टर हैं वो इस तरह से अपने कर लेने हैं। मैंने जो है यहाँ पे 3 आपको इसलिए दिखाए हैं क्योंकि मेरे पास अभी 3 थे, ठीक है। चौथा भी आपको इसमें ट्रांजिस्टर जो है सिंपल ले लेना है, ठीक है। लेने के बाद आपको जो है सिंपल इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है जिस तरह से मैंने इसमें किया हुआ है। मैंने आपको शुरू का एक करके दिखा दिया था तो उस तरह से आपको इसमें कर लेना है। करने के बाद आपको जो है सिंपल इसको जो है इस तरह से लगा देना है, ठीक है। उल्टा इसको जो है थोड़ा सा लगाने के बाद अब आपको जो है इसका जो कलेक्टर है जो कि आपने ऊपर को फोल्ड किया था वो यहाँ पे आपको जो है अब इसके ऊपर क्या लगाना है, इसके ऊपर आपको लगाना है 220 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। 220 ओम लगा सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लगाने के बाद यहाँ पे जो है मेरे पास 4 रेजिस्टेंस है तो आपको भी ये ले लेना है। लेने के बाद अब आपको जो है सिंपल ये जो है थोड़े से यहाँ से काट लेने हैं, जैसे जिस तरह से मैंने इसको जो है काट लिया है। काटने के बाद आपको जो है मैंने इसमें सिंपल सोल्डरिंग कर दी है। करने के बाद आपको जो है इसमें कुछ नहीं करना है, अब आपको जो है सारे जो ट्रांजिस्टर हैं आपके जितने भी उनके कलेक्टर पिंस हैं, गाइज पीछे से थोड़ा शोर आ रहा है तो माफ़ कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको इसी तरह से ही यहाँ पे हर ट्रांजिस्टर की तरह कर देना है जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया है। तो गाइज इस तरह से आपको जो है करने के बाद अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, अब आपको जो है चारों ट्रांजिस्टर आपको ले लेने हैं। मैंने यहाँ पे आपको 3 दिखाए हैं, वो गलती से हो गया था, ठीक है। तो मैंने जो है लास्ट में आपको एक जो ट्रांजिस्टर है वो बाद में दिखा दिया है। तो आपको जो है इस तरह से ये कर लेने हैं। करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल ये जो आपका जो आपने अभी भी रेजिस्टेंस लगाया है 220 ओम का, अब हम इसके ऊपर क्या करने वाले हैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइज आपको जो है ओनली वीडियो स्किप नहीं करनी है, ओनली लास्ट तक देखनी है, धीरे धीरे से देखनी है, ठीक है। अब आपको इस पर क्या लगाना है, इस पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए मैं दिखाता हूँ एक मिनट आपको। तो आपको जो है यहाँ पे अपनी जो LEDs हैं जो मैंने आपको दिखा दी थी, तो आपको जो है सबसे पहले रेड LED जो है सिंपल अपनी ले लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस माइनस जो है आपको दिखा दिए मैंने, इसको जो है माइनस जो यहाँ पे माइनस वाला पॉइंट है वो आपको यहाँ पे सिंपल जो अपना रेजिस्टेंस है उसके ऊपर लगा देना है। आपको यही काम अपनी ग्रीन वाली LED के साथ भी करना है जो कि ट्रांजिस्टर में जुड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको रेजिस्टेंस जो मिल रहा है उसी के ऊपर आपको जो है माइनस वाला पॉइंट आपको ग्रीन LED का भी जोड़ देना है जिस तरह से अभी मैं इस पर जोड़ने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए इनके पॉइंट्स जो है माइनस वाला मैं जो है इसके अभी इस पर कनेक्ट करने वाला हूँ, तो आपको भी इस तरह से कनेक्ट कर देना है। मैंने आपको जो है सोल्डरिंग इसमें करके नहीं दिखाई है क्योंकि मैं जो है थोड़ा सा जल्दी कर रहा था इसमें प्रोसेस, तो मैंने जो है इसलिए बीच में से वीडियो जो है ब्रेक कर दी है जिससे जो है आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपकी जो वीडियो है सिंपल आप सारा का सारा अच्छे से देख ले। तो इस तरह से आपको जो है इस वाले पे भी लगा देनी है जिस तरह से मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है तीनों पे इन पे लगा दी है, पर अभी मैं इस पर चौथे को भी लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक बार मेरा बाकी रह गया था, तो आप जहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो है ये जो चौथा ट्रांजिस्टर है वो भी मैं लेके आ चुका हूँ। तो इस तरह से आप जो है इनको चारों को इस तरह से यहाँ पे लगा दीजिएगा, माइनस वाले पॉइंट को रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दीजिएगा। कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है सिंपल, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। अब आपको एक कॉपर वायर लेनी है, ठीक है। आप कैसी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल वायर भी ले सकते हैं क्योंकि हमें ओनली कनेक्ट करने के लिए चाहिए वायर। तो हमें जो है मैंने जो है यहाँ पे एक कॉपर वायर ले ली है। लेने के बाद आपको जो है सिंपल इसका जो ऊपर से गाइज इसकी जो है ऊपर से जो लेयर इस पर चढ़ी होती है वो आपको यहाँ पे सिंपल हटा देनी है जिससे आपका जो सोल्डरिंग आयरन है उस पर सिंपल आपको जो है सोल्डर लगा देना है जिससे आपका जो कंपोनेंट है वो सिंपल इजीली
उस पर कनेक्ट हो जाएगा। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया है उस तरह से ही आपको यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। मैंने जो है यहाँ पे अपनी जो रेड और ग्रीन LED है दोनों यहाँ पे लगा दी हैं। लगाने के बाद आपको जो है सारी LED वन बाय वन करके इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है। चलिए मैं आपको दिखाई रहा हूँ वैसे तो, ठीक है। आपको जो है ये यहाँ पे लगा देनी है। यहाँ पे जो है गाइज ये वाला पॉजिटिव है जो कि मैंने आपको पहले बताया था, जो नेगेटिव है वो पहले आपको लगा देना है। अब की बार मैं जो है सारे को पॉजिटिव को एक के साथ ही कनेक्ट इसमें कर रहा हूँ। तो आपको जो है सारी जो LEDs के पॉजिटिव वायर हैं वो यहाँ पे आपको सिंपल लगा देने हैं। कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल हमारा जो सर्किट है वो ऑलरेडी कुछ तो तैयार हो गया है। अब थोड़ा सा इसमें आपको जो है प्रोसेस और बाकी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका मीटर है वो सिंपल आपको सभी में लगा के एक साथ ज्वाइंट कर देना है, जिस तरह से मैं इस वायर की मदद से कर रहा हूँ। यानी आपको जो है एक जैसा ही लगा देना है इसमें। चलिए मैं जो है वायर्स के साथ इनको कनेक्ट कर रहा हूँ, तो आप भी इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं जिससे आपका जो अमीटर है वो सिंपल एक ग्राउंड की तरह हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरा जो अमीटर है वो सिंपल यहाँ पे हो चुका है। करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल कुछ वायर्स लेनी है जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। आपको जो है कुछ वायर्स लेनी है जो कि आपके बेस से होकर जाएगी। गाइज ये वो वाले वायर हैं जो कि आपको अपने वो जो पानी है उसमें आपको डालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस से ही होकर सारे वायर्स जाएंगे, ठीक है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए मैंने जो है पहला वायर जो है कनेक्ट कर दिया है, चलिए दूसरा कर देता हूँ। दूसरे के बेस में से एक बार ले लेता हूँ इसको वायर्स को, ठीक है। आपको जो है यहाँ पे वन बाय वन करके इस तरह से आपको बेस में से वायर्स निकाल लेने हैं, ठीक है। ये जो वायर्स हैं ये आपके वाटर में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तीसरे पे भी मैं इसको लगाने वाला हूँ, तो यहाँ पे जो है मेरा दूसरे का हो गया है और तीसरे को मैं एक मिनट इसमें ज्वाइंट कर देता हूँ। आपको भी जो है ईजिली यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के बाद आपको जो है सिंपल, चलिए लास्ट वाला मेरा रह गया है, लास्ट वाला भी एक मिनट मैं लगा देता हूँ इसमें। तो गाइज मेरा जो लास्ट वाला वायर है वो भी सिंपल यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, तो अब आपको क्या करना है गाइज, इसको जो है इस वायर को किसी भी टेप की मदद से आप इनको जो है एक साथ रख सकते हैं। रखने के बाद क्या होगा, जिससे ये जो है अलग अलग नहीं रहेंगे और आप जो है इनको एक साथ जॉइंट भी कर सकते हैं। तो मैंने जो है यहाँ पे इस टेप की मदद से जो है थोड़े से ये मैंने लगा दिए हैं, ठीक है। करने के बाद अब आपको जो है सिंपल इनको इस तरह से लगा के और यहाँ पे हो जाएगा ये। करने के बाद अब आपको जो है सिंपल इसमें जो है आपकी जो बैटरी की क्लिप है वो आपको यहाँ पे लगानी है, जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऊपर वाला जो वायर है इस तरह से यहाँ पे काटे हुए, तो आपको भी इस तरह से ही रखना है, वरना आपके जो आपकी LEDs है वो वन बाय वन करके नहीं जलेगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने किस तरह से यहाँ पे वायर रखे हैं, तो उस तरह से आपको वायर इसमें लगा देना है। अब आपको यहाँ पे बैटरी की क्लिप लेकर आनी है जो कि अब हम ज्वाइंट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला है रेड और उधर वाला है गाइज ब्लैक। तो आपको जो है इस वाले वायर्स में जो है एक मिनट, यहाँ पे आपको जो है एक मिनट इसमें जो रेड वाला वायर है वो इसमें डाल देना है, क्योंकि ये जो है आपका बैटरी का पॉजिटिव होगा और यहाँ पे जो बैटरी की क्लिप है वो आपको यहाँ पे सिंपल लगा देनी है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो बैटरी की क्लिप भी यहाँ पे सिंपल ज्वाइंट कर दी है। ज्वाइंट करने के बाद अब आपको जो ब्लैक वायर है वो यहाँ पे आपको अमीटर में, ट्रांजिस्टर के अमीटर में सिंपल कनेक्ट कर देनी है। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही वायर्स मैंने यहाँ पे सिंपल कनेक्ट कर दिए हैं। आपको भी इसी तरह से कनेक्ट करनी है। कनेक्ट करने के बाद ये जो मैंने अभी तीसरा वायर लगाया था ना गाइस, इसमें जो आपको पहले दिखा दिया था, ये क्या है गाइस, ये इसका जो पॉजिटिव वायर है बैटरी का ये आपका सबसे नीचे रहेगा, और जो और वायर्स हैं जो कि बेस के ट्रांजिस्टर के वायर्स हैं वो यहाँ पे आपके वन बाय वन करके एक साथ हट के रहेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो है सबसे नीचे लगाया है और यहाँ पे जो है वन बाय वन करके मैंने जो है वायर्स को अलग अलग करके काटा है, ठीक है। आपको भी इसी तरह से करने हैं। चलिए अब जो है हम इसको चेक करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया है इस तरह से कर रखा है आपने, ठीक है। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं एक मिनट। तो मैं जो है एक मिनट इसको जो है यहाँ पे सिंपल लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। आप भी इस तरह से इसमें कनेक्ट कर लीजिएगा, पहले इसको आप चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद आप जो है इसको अपनी टंकी में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मैं जो है इसमें पानी डालने वाला हूँ, तो एक मिनट मैं जो है इसमें बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ। बैटरी मैं जो है एक मिनट इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरी बैटरी आ चुकी है 9 वोल्ट की। आपको सिंपल इसमें जो है बैटरी ले लेनी है, और अगर आप इसको परमानेंट लगाना चाहते हैं तो आप जो है इसको चार्जर से भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बैटरी इसमें लगा दी है। लगाने के बाद आपको जो है सिंपल इसमें पानी भर के देखता हूँ इसमें एक बार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वन बाय वन करके यहाँ पे जो LED है मेरी यहाँ पे ग्लो होना स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहली हो गई थी, दूसरी भी हो गई है, और यहाँ पे तीसरी भी मेरी हो गई है, और इसमें जो पानी है वो थोड़ा ख़त्म हो गया। चलिए दोबारा डालता हूँ मैं इसमें पानी एक बार। तो यहाँ पे जो रेड वाली है ये अब दिखा दिया है इसने कि हमारे जो टंकी है वो सिंपल फुल हो चुकी है। तो इस तरह से गाइज आप जो है इसमें वाटर लेवल इंडिकेटर अपना बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए बनाना चाहते हैं तो आप जो है स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए भी बना सकते हैं इसको, या फिर अगर आप
घर के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो घर के लिए भी आप इसको सिंपल यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं जो है एक बार इसको निकाल के देखता हूँ कि सिंपल उसी तरह से इसमें जो है जल रही है या फिर नहीं जल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वन बाय वन करके ही यहाँ पे मेरी जो LEDs हैं ग्लो कर रही हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।